मेन जो सेल्स का मकसद है ना वो है कस्टमर का बेनिफिट। अगर आप इस बात को समझ लें सही तरह ना सब लोग और अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें। मैंने 1994 में सेल्स स्टार्ट की थी पहली बार, येलो पेजेस बेचे मैंने, आप लोग काफ़ी सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे उस टाइम शायद। येलो पेजेस में एड्स बेचना, प्रिंटर बेचे मैंने, क्रेडिट कार्ड बेचे, और मुझे बहुत शुरू में ही मेरे कुछ बॉसेस थे उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा यार सेल्स जो है वो एक सर्विस है, एक सर्विस है जिसमें आपने कस्टमर को फायदा पहुंचाना है। क्या चीज? फायदा। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से अपनी सेल्स कॉल स्टार्ट करेंगे ना तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सेल्स कर सकते हैं। नंबर वन तो ये, अगर आप दिमाग में ये रख के जाएंगे कि मैंने अपना टारगेट पूरा करना है, वो टेलीफोन कॉल में ही आपकी जो टोन है ना वो डिफरेंट होगी। और हम किसको बेचते हैं? हम मशीन को तो नहीं बेचते ना, इंसान को बेचते हैं। तो इंसान जो है ना, इंसान इन चीज़ों को बड़ी जल्दी पिक करता है, इन फीलिंग्स को और सेंटिमेंट्स को बहुत यूं करके पिक करता है। तो हमने उसको रीच आउट करना है, उसकी जो जो पेन पॉइंट्स है ना वहाँ तक पहुँचना है। एक तरीका ये है कि जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फलाने फलाने रेस्टोरे से मैं बात कर रहा हूँ जी, कैसे हैं आप? इमीडिएटली आपने उसका इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया। मैं जी इधर सेल्स करता हूँ, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो कहेगा नहीं यार, जनरली लोग जो हैं वो सेल्स वालों को पसंद नहीं करते जनरली, रियल स्टेट में नहीं, एनीवेयर। आप क्रेडिट कार्ड बेचते होंगे, आपने डिपॉजिट बेचे, आप पिक्सार में ग्राफिक जो भी डिजाइनिंग बेचते होंगे, एनिमेशन वगैरह व्हाटएवर, आप जैसे ही कस्टमर को ये बात करते हैं ना कि जी मैं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, तो इमीडिएटली कस्टमर को आप ये कह रहे हैं कि यार मैं एक सेल्समैन हूं, मैंने अपना टारगेट पूरा करना। यू लूज द कस्टमर इमीडिएटली, क्योंकि एक सेल्समैन का एक इमेज बना हुआ है हर कस्टमर के दिमाग में, हर प्रोस्पेक्ट के दिमाग में, कि यार ये सेल्समैन जो है ना इसका टारगेट होता है और ये मेरे पैसों से अपनी अपना कमीशन बनाता है। अच्छा, आप अपने आप को आप कस्टमर की जगह रखें, सही है ना? और आप कहीं जाते हैं और कोई आपको कोई आके सेल करने की कोशिश करता है, जहां आपको ये लगता है कि यार ये इस जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है इसमें से ये कमीशन लेके खाएगा, आप कहेंगे नहीं नहीं यार मुझे नहीं खरीदने, चाहे वो प्रोडक्ट आपके फायदे की भी हो। तो सेल्स जो है ना वो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली उसको क्लियर करना है हमें। प्रोसेस तो बहुत आगे की बात है कि कितनी कॉलें करनी है, कितना मैंने उसको कॉन्सेप्चुअली समझें, यानी आपका नजरिया, नजरिया जो है ना वो एक बड़ा क्लियर होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपने ये क्लियर करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है कि मेरा मकसद क्या है जो मैं काम कर रहा हूं। अगर तो मकसद है कि टारगेट पूरा करना है, ओनली वो, देखो टारगेट पूरा करना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं ना, नजरिया चेंज करना है सबसे पहले। अगर ये नजरिया चेंज हो जाता है कि यार मेरा काम ये है कि मैंने लोगों की मदद करनी है, मुश्किल है ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, आसान नहीं है। देखो पहली तो बात ये है कि लोग गलती से सेल्स में आते हैं ज्यादातर, मतलब इट्स नॉट अ चॉइस ऑफ जॉब। हर आदमी चाहता है मैं प्रेशर लेस जॉब में हूं, ठीक है। बंदा कहता है यार कहीं नौ, मैंने भी इसलिए येलो पेजेस इधर उधर से स्टार्ट किया, वाई? बिकॉज अच्छी कहीं और जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, या कॉन्ट्रैक्ट पे क्रेडिट कार्ड सेल्स मैंने जब करनी शुरू की, अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा यार कुछ नहीं है तो ये कर लेते हैं, चलो थोड़ा कमीशन बन जाएगा, किसी महीने छक्का लग गया तो लग गया, ज़्यादा पैसे आ गए। अच्छा होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने करियर के अंदर, सेल्स के करियर में रिग्रेट में रहते हैं कि यार हम इस करियर में आ गए, बट चला लो यार और क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो रियलाइज करते हैं कि इस जॉब का पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल के बाद समझते हैं। देखो सेल्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं कर क्यों रहा हूँ यार, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो पहली चीज़ ये कि आप नज़रिया चेंज करें। सेल्स इज अ सर्विस, सेल्स एक सर्विस है, क्या है? लोगों की सर्विस, के मैंने लोगों की मदद करनी है, चाहे आप रियल एस्टेट बेचें, चाहे आपके पास कार वॉश हो, या मैंने यार ये प्रोवाइड करनी है सर्विस।